हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है प्रॉब्लम सेट वन पे। प्रॉब्लम सेट वन का जो पहला क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे, वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। एग्जाम में डेफिनेटली एक मार्क्स के लिए तो आते ही है सारे क्वेश्चन। चलो देखते हैं। अब दिया है दो ट्राइंगल दिए पी क्यू आर और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड दी है। ओके, अब इसमें पहचानने की कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है। ओके, सबसे पहले दिया है पी क्यू आर और सिमिलर प्रूव करना है ए बी सी। अब बोलोगे कि सर इसमें हमें कितना टाइम बर्बाद करना है, तो इसमें ना थोड़ी बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करनी होती है। देखो पी क्यू आर है तो पी क्यू आर आपका ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है, बराबर। देखिए अच्छे से देखना, और यहाँ पे दिया ए बी सी, ए बी सी आपका इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो भाई इसका कोई करस्पॉन्डेंस है ना, बनेगा ही नहीं। बिकॉज देखो पी क्यू के अपॉन में यहाँ पे ए बी आ रहा है। ओके, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, तो इसको कैंसिल कर दो। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ट्रायंगल, और यहाँ पे दिया है सी ए बी, एकदम परफेक्ट, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपका इसका आंसर भी एकदम करेक्ट है, इसका आंसर भी एकदम करेक्ट है। मन की तसल्ली के लिए आगे के ऑप्शन भी देख लो, सी बी ए, सी बी और ए। अब यहाँ पे पी आर क्यू होना चाहिए, बट देखो यहाँ पे क्या दिया है, पी क्यू आर उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट बी सी ए, बी सी ए ऐसे मूव कर रहा है, आगे देख लो इसका करस्पॉन्डेंस होना चाहिए आर पी क्यू, बट यहाँ पे क्या दिया आपको पी क्यू आर। ठीक है, तो आपके तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ओके चलो नाउ आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में देखो दो ट्रायंगल दिए डी एफ और पी क्यू आर, और उसके दो एंगल्स इक्वल दिए, मतलब ट्रायंगल ए टेस्ट से एकदम हमारा परफेक्ट हो गया। Then which of the following statement is false? कौन सा false है? पहला देखो EF का corresponding दिया है PR, DF का corresponding दिया है PQ, बराबर? चलो, तो ये दोनों तो एकदम right है। उसके बाद DE, DE का corresponding आना चाहिए QR, but यहाँ पे दिया है PQ, तो आपका option number B false है। चलो, आगे आ जाते हैं question number 3 पे। किसका आ जाते हैं question number 3 पे? Question number 3 देखेंगे तो आपको दो एंगल इक्वल दिए, मतलब ट्रायंगल तो सिमिलर प्रूव हो जाएगा दो एंगल से, और एक साइड दी है। अब देखते हैं क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू ट्रायंगल्स इज ट्रू। पहला दिया है ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, ये तो फॉल्स है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है बट सिमिलर तो है। ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, एकदम परफेक्ट, ट्रायंगल सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, पॉसिबल ही नहीं है, और आगे नन ऑफ देम तो आ ही नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपने अभी थोड़े टाइम पहले है ना लास्ट लेक्चर में किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल दिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया बाय ए टेस्ट से। थोड़ा सा भी इसमें ना करते नहीं बैठने का, डायरेक्ट दिमाग यूज करना है, बराबर। अब ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो, पहले का एरिया दिया है 1, दूसरे का दिया है 2, ए बी का वैल्यू दिया है 4, और डी आपको फाइंड आउट करना है, बराबर। चलो अब यहाँ पे क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, रूट 2 का रूट 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ 2, आपका आंसर क्या मिल जाएगा, डी इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ 2। चलो तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया है। आप सॉल्व करोगे उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, ऑप्शन करेक्ट सिलेक्ट करने का ही मार्क्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको दिया है दो ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब आपको लाइन पैरेलल दी है, एक सेगमेंट एक्स वाई और सेगमेंट बी सी। बेटा सेगमेंट वर्ड यूज किया, साइड वर्ड यूज नहीं किया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो यहाँ पे बीपीटी अप्लाई करोगे, पहले ए एक्स अपॉन एक्स पी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी, कोई हिसाब से एक भी ऑप्शन मैच ही नहीं होगा। देख लो ax के अपॉन में xp दिया है पर ay अपॉन ac दिया है, तो यहाँ पे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या करें, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने आपको पहले लेक्चर में ना फर्स्ट 1.1 में प्रॉपर्टी लिखवा के दी थी, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो उसके करस्पॉन्डेंस एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर। तो दो ट्रायंगल को मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया, देखो एक axy उसको सिमिलर प्रूव कर दिया ट्रायंगल abc से, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब इसके ट्रायंगल ए एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी मैं बोल सकता हूँ। चलो अब इसकी करस्पॉन्डेंस साइड लिख लो, ए एक्स अपॉन ए बी,
इज इक्वल्स टू ए सॉरी एक्स वाई अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए सी बराबर। अब देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है। पहला देख लो ए बी अपॉन सॉरी पहले मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ लिखने के लिए, एक मिनट। मैंने छोटा वाला ट्रायंगल लिया था ना उसकी जगह पे एक काम करो, पहले ट्रायंगल ये वाला ले लो, एबीसी वाला ट्रायंगल पहले ले लो, ओके। बिकॉज पहला बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा, एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एएक्सवाई, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन ए एक्स बी सी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए वाई, ओके। चलो अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते जाओ, यहाँ पे आपको दिया है ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी कहाँ पे भी नहीं है, ए एक्स अपॉन ए वाई कहाँ पे भी नहीं है। अभी भी देखो आप देखोगे ना सारे ऑप्शन तो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। अब देखो सेकेंड ऑप्शन देखो ए एक्स अपॉन एक्स बी, ये भी कहीं पे नहीं है, ए एक्स अपॉन वाई सी, ए एक्स अपॉन वाई सी भी कहीं पे नहीं है अभी बोल, और ए बी अपॉन वाई सी भी कहीं पे नहीं है। अब बोलोगे सर है ही नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ए बी ऊपर चाहिए था, ओके। अब ये दोनों में ना अगर मैं दोनों को इंटरचेंज कर दूं, अल्टरनेंडो कर दूं, तो ए बी अपॉन ए सी और ए एक्स अपॉन ए वाई मेरा आंसर आ सकता है। मैंने अल्टरनेंडो वाला प्रॉपर्टी प्रॉब्लम सेट में आगे के क्वेश्चंस में आएगा आपको, ओके। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले क्या करना है दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, उसकी करस्पोंडेंस साइड लिखनी और फिर देखना उसको अल्टरनेंडो करके, तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम परफेक्ट आ जाएगा, ओके। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो, तो अगर पसंद आए तो लाइक करो शेयर करो, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।